अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी सुबह का नाश्ता आज फ्राइड राइस से हो रहा है। और ये देखिए, आयुक बोल रही है आज खिलाने के लिए, वो खुद से नहीं खाएगी, तो मैं एक साथ ही मैंने ले लिया है आयु के और मेरे लिए, तो एक साथ ही हम दोनों खा रहे हैं बैठ के। और उसके बाद मैं आज लगाने वाली हूँ आयु के सर में तेल। सुबह सुबह ही अभी नाश्ता करके ही मैं लगा दूँगी, कुछ दिन से नहीं लगाई और हफ्ते में एक दो बार तो लगाती हूँ। और अभी उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, आयु की नाखून काटने वाली हूँ, क्योंकि आयु की नाखून बड़ी हो गई है। बस थोड़ा सा बढ़ते ही ये इधर उधर नोच लेती है, तो इसलिए मैं आयु के नाखून बड़े होने ही नहीं देती।
नहाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन में। मैं कुछ बनाने वाली हूँ। आज की रेसिपी क्या है ये देखिए। परवल और आलू आलू की मज़ेदार सब्जी, यूनिक रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो आप लोग देखिए। तो अच्छे ये से देखिए मैं क्या बना रही हूँ, परवल और आलू की रेसिपी। और ये बहुत अनोखा रेसिपी है। और इसमें मैंने क्या क्या डाला आप लोगों ने अच्छे से देखा है, और नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। यहाँ मैं एक पेस्ट बना रही हूँ जिसमें डाला है मैंने प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्चे, नारियल, सूखा हुआ नारियल या फिर जो भी हो नारियल आपके पास हो थोड़ा सा, और खसखस भी डाला है, और सारे खड़े गरम मसाले, जीरा, इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, सभी चीज़ें एक साथ मैंने पीस लिया है। और मैंने साथ ही साथ मैंने डाला है एक टमाटो भी डाला है, और साथ ही साथ अच्छे से पेस्ट बना लिया है, इसको रख दिया है साइड में। अभी मैंने परवल को तेल में फ्राई कर लिया है, और अभी इसको निकाल के फिर आलू को भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद आलू को भी निकाल लूँगी परवल के साथ, फिर आगे की प्रोसेस करूँगी। आलू को निकाल के इसी तेल में मैंने जीरा डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया, और जो पिसा हुआ मसाला है सारे के सारे मैंने डाल दिया है एक साथ, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डालूँगी, क्योंकि वैसे भी हरी मिर्च बहुत सारे डाला है, तो इसलिए लाल मिर्च का पाउडर मैं नहीं डाला। मैंने कलर के लिए सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, और नमक भी डाल दिया है। अभी सारे मसाले एक साथ भून लेंगे, और भूनने के बाद मैं दे दूंगी थोड़ी सी पानी। पानी डालने के बाद फिर से मसाले को अच्छे से मैंने भुना है, और इतना भुनना है कि तेल छोड़ दे। तो इसने मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अभी मैं डालूँगी आलू को, क्योंकि आलू थोड़ा सा हार्ड होता है, अच्छे से कुक नहीं होता है फ्राई में, तो इसलिए मैंने पहले आलू को डाल दिया है। और आलू को भी अभी थोड़ी सी पानी डाल के फिर इसको भी अच्छे से पकाएंगे, और पकाने के बाद मैं डालूँगी परवल। और आप लोग आगे रेसिपी देखते रहिए।
इधर सब्जी तैयार होते होते मैं बना लेती हूँ नींबू का शरबत। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए प्याज बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैंने सोचा है। और ज़्यादातर हम लोग गर्मी ज़्यादा होते हैं तो नींबू का शरबत ही बना के पीते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने ले लिया है नींबू और शक्कर भी ले लिया है, एक बर्तन भी ले लिया है नींबू की शरबत बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ नींबू की शरबत और फिर पी के इधर पी लूँगी, इधर हमारी रेसिपी भी तैयार हो जाएगा तब तक। जल्दी जल्दी मैंने शरबत पी लिया है क्योंकि इधर रेसिपी तैयार हो गया है, हमारी सब्जी तैयार हो गया है। तो अभी मैं ले रही हूँ सर्विंग बाउल में। ये देखिए हमारी आयु नमाज़ पढ़ रही है, शाम हो गई है तो सबने नमाज़ पढ़ लिया। आयु ने भी नमाज़ पढ़ रही है। और देखिए मैंने आयु को आज चोटी बांध दिया है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है आयु को, क्योंकि आज कुछ दिनों से आयु को मतलब चोटी पसंद है तो चोटी बनाने के लिए बोलती है। आज नहा के फिर बाल जब सुखाया तब से बोल रही थी, नींद से जग के बोल रही थी मम्मा चोटी बना दो, तो मैंने बना दिया है चोटी। माशाल्लाह से अच्छा लगता है और ज़्यादा बाल बिखरता भी नहीं है, थोड़ा बहुत बिखरता है, ज़्यादा नहीं बिखरता, तो अच्छा ही है चोटी बनाना, है ना। हमारे लिए दुआ कीजिए आप लोग। और मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।